ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, मुबारक तुझे हो ए अर्ज़े मदीना, मदीना 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 मदीना, नबी का शहर है ये शहर मदीना। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज मदीना में हमारा दूसरा दिन बनेगा, पहला दिन दूसरा दिन आज मदीना में हमारा दूसरा दिन है, और क्योंकि हम रात को पहुंचे तो इस हिसाब से हमारा पहला दिन है। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 3:30 हो चुके हैं और 4:14 पे मस्जिद नबवी में फजर की नमाज का टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो चुके हैं, अब हम जाने लगे हैं मस्जिद नबवी में फर्स्ट टाइम फजर की नमाज पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। हमारा जो होटल है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, वो है मदीना मूवमेंट पिक, और मदीना टावर में ही हम हैं। इसके अलग अलग टावर हैं, मदीना टावर में मदीना मूवमेंट पिक हमारे होटल का नाम है। और उसकी सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि होटल से बाहर निकलते ही, बल्कि होटल के दरवाज़ा ही तकरीबन अगर कहा जाए कि मस्जिद नबवी में खुलते हैं, तो बस इंशाल्लाह अभी निकलने लगे हैं। ये है क्यूट सा वॉशरूम, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रायर, हल्का सा ड्रायर मारा और बाल वीआईपी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अली भी रेडी हो चुका है, बाबा भी रेडी हो चुके हैं, मेरी है और मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं। मैंने लिख दिया, मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं और किंजा रेडी होने के लिए जा रही हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं भाई में आप। मुझे कैप चाहिए। ठीक है बाबा, आई पहन के। वो कैप अली की है, ये आपकी है यार। ले ले ताली यार, जिदे करता है। देख लग रहा ठाकुर रंजीत सिंह, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आपको यही ठीक लग रही है, आप यही लो। किंजा भी रेडी हो चुकी है, अली साहब तो पूरा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, दुनिया ही और है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लुक, पहली बार मस्जिद नबवी को देख रहे हैं हम सब। अली बाबा का क्लिप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी के गेट पे पहुंच चुके हैं, और नमाज में सिर्फ अभी 7-8 रह गए और सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए जा रहे हैं। अम्मी आप है? आंटी अल्हम्दुलिल्लाह, आंटी अम्मी लोगों को आप ले जाएं साथ, आप साथ जाओ। अगर कहीं 9th floor पे बस रूम के पास पहुंच, वो जा रही है उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बयान नहीं कर सकता यार, ये क्या चीज़ है। अभी सोचेंगे देखेंगे, आई डोंट हैव वर्ड्स, अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी अम्मी 4:14 पे अजान होनी है अभी, तो फिर ठीक है ना, हम जल्दी आ गए, ये नफल पढ़ रहे हैं अभी, बस ठीक है, होनी है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालांकि अभी लास्ट टाइम जब लेबनान गया था तो वहाँ पे भी इंतहाई बाबा खूबसूरत मस्जिदें थी, जो मतलब मैं जिनको देख के हैरान और परेशान था कि क्या है, बट जो इसकी खूबसूरती और यहाँ का एक सुकून है वो वहाँ पे ना पैद था, तो यहाँ के एक अलग ही सुकून है।
सबसे खड़े होके जैसे जैसे मैं मस्जिद नबवी के अंदर अहाते में जाता जा रहा हूँ, एक इतनी खुशबू है मैं वो बयान नहीं कर सकता, और वो खुशबू बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल की जानिब, और काफ़ी रश है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा रश है। يلا
रियाजुल जन्ना ये यहाँ से पेश इमाम आता है और जनाजे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से इमाम आता है। इमाम वाले दोस्तों से एक पहला प्लेट नजर आ रहा है, ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये क्या है? एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पहला प्लेट, ये तीनों एक ही है। इसकी ये खाने खाली है, वो ये बीच वाला जो है ना हज़रत उमर फजर का जो टाइम होता है वो होता है लेडीज़ का, ख़वातीन के लिए। रियाजुल जन्ना के जो अंदर जो एंट्री है वहाँ पे लेडीज़ जा सकती हैं। आई थिंक फजर और इशा का जो टाइम है वो लेडीज़ के लिए। बाकी दिन में जो तीन नमाज़ें हैं ज़ोहर, असर और मगरिब, उस दौरान मर्द जो है वो रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। तो अभी हमने सलाम कर लिया है लेकिन हम अंदर नहीं गए, अभी नफल हमने अदा नहीं किए। तो रियाजुल जन्ना में जा के नफल अदा करने होते हैं, और तो इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज के टाइम जब आएंगे तो फिर रियाजुल जन्ना में जा के दो नफल अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो आप जितने भी पढ़ सकते हैं जितना आपको मौका मिले, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है और वो बस धकेल रहे होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ो और जाओ। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं छतरियाँ कहूँगा मैं इनको, मतलब कितना यूनिक सिस्टम है और कितना खूबसूरत लग रही हैं। अभी बंद थी सारी और जैसे जैसे धूप मतलब दिन निकलता रहेगा तो ये छतरियाँ खोल देंगे, अभी इन छतरियों की छांव हो जाएगी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये खुलती जा रही हैं। पता है गेट नंबर 20-21 हमने 16 पे जाना है। मेरे इर्द गिर्द या ऐसे कह लें कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द सारे 5-star जो है वो होटल्स हैं, और हमारा भी जो है ना होटल वो 5-star है। गेट नंबर 17 मूव एंड पिक, तो अम्मी और किंजा भी वहीं हैं तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। और मेरे वहाँ तक पहुँचते देखे तकरीबन छतरियाँ ऑलमोस्ट जो हैं वो खुल गई हैं। रोज़ा रसूल नहीं गए? नहीं नहीं गए नहीं। फिर अब आप इशा के बाद जाना। रोज़ा रसूल नहीं गए? नहीं।
हमारा तो टाइम ही नहीं था, लेडीज का टाइम होता है फजर का और इशा का। अच्छा। तो रश तो वहाँ काफी होता है। कहाँ पे करके है वो? आप जाओगे ना किसी के साथ तो फिर उस उन्हीं के साथ जाएंगे ना काफी के साथ। उन्हीं के साथ आप कर लेना। ये खुलने का लिया था क्लिप? हाँ जी, ले लिया था। ब्रेकफास्ट के लिए हम आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। ऑमलेट बना दें 3। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट जो है हमारा आ चुका है और बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट है। और ब्रेकफास्ट से ज़्यादा जो लोकेशन है वो इंतहाई मज़े की है। ये हमारा टेबल और ये टेबल के बाहर मस्जिद नबी, यहाँ पे बाबा जी अली और सब। माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना है। और ये फ्रूट्स और ये चीज़ें नाश्ता। और यहाँ पे ये क्या है? पत्नी क्या है? ये खजूर है, खुश्क पाइन एप्पल है। और ये टिन फ्रूट, इसको कॉकटेल कहेंगे। और ये क्या चीज़ है? ये अंजीर है मेरे। नहीं, खुश्क अंजीर है। और ये पत्नी कौन सा फ्रूट है ये नहीं पता। इंतहाई खूबसूरत हॉल है और इंतहाई मज़े का ब्रेकफास्ट है। और अभी सिर्फ चाय रहती है, बाकी चाय पियेंगे। बाबा आपने शुगर डाल दी थी? मैंने मैंने शहद डालना था। चलो जैन, इस वक्त हम आए हुए हैं जैन के ऑफिस। जैन यहाँ का एक नेटवर्क है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जैज़, जोंग, वारिद होता है और टेलनार वगैरह। और सिमें सबसे पहले किसी भी कंट्री में जाके ज़रूरी होता है इंटरनेट, तो सिमें बाई कर ली हैं। एक सिम विद 25 GB इंटरनेट 150 रियाल की मिली है। इट्स टू मच एक्सपेंसिव। अभी जो है हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और आसपास इतने खूबसूरत खूबसूरत होटल हैं, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है। बस मतलब मुझे तब ये लग रहा है कि यूरोप तो क्या ही है इसके आगे। यहाँ पे जो होटल हैं, जो मामलात हैं, इंतहाई खूबसूरत। दिखाऊं? देखोगे? देखो फिर। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर ये वाला कह रही हो? कलर तो अभी देखा ही नहीं ना, अभी तो कह रही थी स्लीव्स बोलो। तंग तो नहीं होगा? मुझे लग रहा है कि तंग है। मुझे यहीं पे ही लग रहा था। थोड़ा सेट करो, क्या करेगा? फिक्स दिस, सेट द साइज। कल और मेरे साथ आएंगे। कल फ्राइडे भी है, कल फिर जुम्मे में पहन के। जोहर की नमाज जो का जो है टाइम हो चुका है और इस वक्त जो है हम जोहर की नमाज अदा करने जा रहे हैं। माशाल्लाह बाहर भी काफ़ी रश है इस टाइम तो। और वहाँ पे जो पंखे हैं बाहर के अहाते में वो चला दिए गए और वो जो है ना फुहार छोड़ रहे हैं ठंडी। अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज जो है वो पढ़ ली है। अंदर तक नहीं जा सके क्योंकि टाइम कम था और जमात खड़ी हो गई थी, बाहर ही सहन में जोर की नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। इशा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और इशा की नमाज पढ़ के जैसे फ्री हुए थे तो यहाँ पे कुछ अरबी भाई ही हैं
तो वो कावा बना के बैठे हुए थे, तो हम साथ ही बैठे थे, तो उन्होंने हमें ऑफर किया कि कावा पिया, तो हमने कहा टेस्ट करते हैं। छोटे छोटे कप हैं और बहुत मज़े का कावा बना हुआ है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजारा जाए, नवाफिल में गुजारा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म पज़ीर होता है। शाह की नमाज़ के लिए आए हुए थे और काफ़ी देर से मस्जिद नबवी में ही बैठे हैं, दिल नहीं कर रहा रूम में जाने का। सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमोशनल चीज़ें हैं भाई ये, आप इनको बयान नहीं कर सकते। सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। नेक्स्ट डेज़ में प्लान्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग ज़रूर आएँगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।